ठीक है, तो कल अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े था ना, उस पर कुछ क्वेश्चंस करे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रखते हैं तो किस तरह से बिहेव करता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे। तो हमने निकाला था कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R², तो अपन ग्राफ बनाते हैं इसका। अगर मान लो अपन ने यहाँ पर कोई एक चार्ज रख दिया ना, से कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया, और इस एक्सिस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ, इस एक्सिस पर डिस्टेंस बता रहा हूँ, से एक्स एक्सिस कह लाऊँ, तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा। बनाओ, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा, कैसा आएगा भाई? आर को इन्फिनिटी रखोगे तो जीरो हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो भी जीरो है, और आर जब जीरो पे टेंड करेगा तो ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा ना। जब आर जीरो पे टेंड करेगा इस तरफ से तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, जब R जब जीरो पे टेंड करेगा इस तरफ से तो ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, है ना? ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा? एसिम्प्टोटिकली जाएगा ऐसा, और ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा कभी भी, है ना? एसिम्प्टोटिकली जाएगा ये ग्राफ। क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है? नॉट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला ही नहीं है ये, दिस इज नॉट ए हाइपरबोला। अभी कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे तुम? पढ़ लिया है क्या? तुमने कुछ भी तो नहीं पढ़ा, मैं कैलकुलस नहीं पढ़ा, कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा। तो हाइपरबोला की जो भी होती है ना, बाई इक्वल टू 1/x, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्मेट होता है ना। ये 1/x स्क्वायर है, तो दिखने में उसके जैसा है पर है नहीं, इसके कर्वेचर अलग है, ये हाइपरबोला नहीं है। डायरेक्शन भी बता रहे हैं ना, अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा है, पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रखूंगा तो इधर भागेगा, यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ भागेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता दे रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है, डायरेक्शन के साथ बनाया गया है ग्राफ। ठीक है, कुछ ग्राफ सब तुम बनाओ ना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको। मान लो यहाँ पे मैंने प्लस क्यू रख दिया, और यहाँ पर भी मैंने प्लस क्यू रख दिया, बनाओ ग्राफ बनाओ। इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ना, वाई एक्सिस पे क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तुम्हारा सेपरेशन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वाई एक्सिस पे। अच्छा, प्लस माइनस क्यों कर दिया मैंने, दोनों प्लस क्यों ले लो, बताओ ग्राफ कैसा होगा। इसका मतलब क्या है? ऐसे दो ग्राफ है, उनको पास लेके आओ, है ना? तो किसी भी चार्ज के पास जाओगे तो इनफिनाइट हो ही जाएगा, इस चार्ज के पास रहोगे तो ये इस डायरेक्शन में इनफिनाइट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर ऐसे स्टार्ट होगी। इस चार्ज के पास यहाँ पे रखोगे तो ये वाला डोमिनेट करेगा ना, वो इधर पे फेंकेगा, इनफिनाइट यहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होगा, और बीच में क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो, बिल्कुल एग्जैक्टली जो इनका सेंटर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो, और ये एसिम्प्टोटिकली जा रहा है ना पूरा ग्राफ। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे रखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, एक सेकंड गलत कर दिया, ये माइनस इन्फिनिटी पे दे रहा है ना, ये गलत बना दिया। देखो, यहाँ पे रखोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर रखोगे तो डोमिनेट कौन सा कर रहा है, जो ये बिल्कुल इसके पास में है ना, और ये किधर फेंकेगा यहाँ पे रखने पे? इस डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा ना। देखो ना, चार्ज के लेफ्ट में यार, तो ये ऐसे स्टार्ट होगा और ये ऐसे स्टार्ट होगा, तो ये बिल्कुल सेंटर में जाके इस तरह से हो जाएंगे। सेंटर में क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो, एग्जैक्टली उनका सेंटर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। आइए समझ में, अगर ये क्यू होता, ये 4q होता, तो सेंटर पे नहीं D/3 पे होता, ये हमने निकाला हुआ था ना, तो अकॉर्डिंगली सही कर लेना बस करेक्शन। ठीक है, इधर पे रखने पे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, तो ये वाला ग्राफ ऐसा आएगा यहाँ का, और यहाँ पे रखने पे पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या बनाने में? नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में तो पूछो। अगला क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे क्यू को रख देते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू रख देते हैं, अब बनाओ।
अच्छा पहले से माइनस क्यों अकेले के कारण बताओ कैसी होगी। हाँ बताओ, एक बताओ और बना दो। सिर्फ अकेला माइनस क्यों रख दिया यहाँ पे तो कैसी आएगी, एक अकेला माइनस क्यों है तो। यहाँ पे रखेंगे तो किधर खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचता है ना ये तो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती है ना। यहाँ पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन में खींचेगा, मतलब नेगेटिव में, तो यहाँ पे वो ऐसा आएगा और यहाँ पे ऐसा आएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले के में फ़र्क होता है डायरेक्शन का। पॉजिटिव ग्राफ में पॉजिटिव चार्ज के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, इसमें सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। अरे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को पास ले आओ, पॉजिटिव वाले के ग्राफ में यहाँ पे आता था, नेगेटिव वाले में यहाँ आ रहे, समझ रहे हो। तो कैसा आएगा ग्राफ, चढ़ोगे ऐसा कुछ जाएगा, और नेगेटिव की इस तरफ ऐसा रहता है वो तो यही रहेगा, और पॉजिटिव के इस तरफ कैसा आता है, इधर आता था वैसे ही रहेगा। अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव वाले का पता है, उन दोनों को पास पास ले आओ, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये वाला समझ में आया है तो ये पूछो ना, फिर इसमें मैं बताने लगूंगा डाउट। पॉजिटिव वाले का ग्राफ समझ में आया जो पॉजिटिव चार्ज का बनाया था, अगर उसका आ गया तो फिर नेगेटिव वाले में क्या नहीं आ रहा। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, इस तरह से होता है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। नेगेटिव डायरेक्शन है तो नीचे से स्टार्ट करूँगा, नेगेटिव ना, पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ऊपर स्टार्ट करूँगा। और जब चार्ज के पास जाओगे, आर को ज़ीरो करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इन्फिनिटी। अगर चार्ज को इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर को इन्फिनिटी रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो वही तो मैंने बनाया है वो सब, एक मैग्नीट्यूड का ध्यान रखा कि चार्ज के पास इन्फिनिटी होगी, चार्ज से दूर ज़ीरो, दूसरा डायरेक्शन का ध्यान रखा मैंने। यहाँ पर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाती है, कल लाइन्स बनवाई थी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये दूर फेंकता है और ये भी, ये पास बुलाता है। तो देखो इस इनके बीच में हर जगह पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव बनाया, और चार्ज के पास तो इन्फिनिटी होती है ना। यहाँ पे देखो ये इस खींचेगा ना, ये अट्रैक्ट करता है, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो नीचे बना दिया। यहाँ पर देखो ये दूर फेंकता है, तो दूर ऐसे फेंकेगा, अगेन ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव बना दिया। इस वाले केस में क्या, दोनों पॉजिटिव थे, दोनों दूर फेंक रहे थे, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव लाए, यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन है, नीचे बनाया। अब यहाँ पे इस जगह पे पॉजिटिव था, इस जगह पे नेगेटिव था, बीच में कहीं ज़ीरो होना था, सेम चार्ज है। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ऊपर दिखाओगे एक्स। अच्छा इसको क्यू की जगह अगर फोर क्यू कर दें तो क्या हो जाएगा, क्यू की जगह मान लो फोर क्यू कर दिया, लिखो अगला क्वेश्चन, क्यू और फोर क्यू है। हाँ ये जो ग्राफ है ना, बस ये इधर पे ज़ीरो होने की जगह, क्योंकि अब इसकी फील्ड स्ट्रांग हो गई ना, अपन ने निकाला था वो डिस्टेंस, निकाला भी है, कैलकुलेट करा हुआ है, कल ही करा था शायद, नहीं अच्छा वो चार्ज वाले क्वेश्चन जब कर रहे थे है ना। तो ये क्या होगा, अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है तो डी बाई थ्री डिस्टेंस पे ज़ीरो हो रही होगी, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है तो डी बाई थ्री पे ज़ीरो हो जाएगी, बस इतना ही फ़र्क आएगा, बाकी सबको सेम रहेगा। ये वाला ग्राफ बना के देखा, और इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पर इस क्वेश्चन को भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, पर ये वाला सही बना लिया तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया फिर सब कुछ। और सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़ीरो हुई थी, नेट फोर्स जहाँ पे ज़ीरो हुआ होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हुई होगी, और उस हिसाब से बनाने की सोचो। मान लो ये डिस्टेंस डी है, तो याद करो कहाँ हुई थी ज़ीरो, डी लेफ्ट में ज़ीरो हुई थी ना, मतलब इस पॉइंट पे तुम्हें ज़ीरो होना चाहिए, तुम्हें ये पता है। ऐसा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके बनाओ, डायरेक्शन सोचो, माइनस इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो होना चाहिए, इस पॉइंट पे भी ज़ीरो होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो होना चाहिए, और कहीं और ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और अब हर जगह डायरेक्शन सोचो, यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा, यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, चार रीजन है, चारों रीजन में डायरेक्शन सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलो अच्छा बताओ, यहाँ पे चार रीजन हो रहे हैं, एक रीजन ये है,
ये एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, चारों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाओ। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ग्राफ उसके बाद बनेगा। कौन सा वाला है? अच्छा ठीक है, तुमने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया। अब सोचो कौन कौन से पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। तुम एक पॉइंट पे जीरो भी बोल रहे हो और इन्फिनिटी भी बोल रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है प्यार से, कोई एब्रप्ट चेंज नहीं आ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ तो मेरे को, माइनस इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? अबे तुम्हारे आईआईटी की रैंक चली गई, तुम समझ ही नहीं रहे हो। यहाँ पे देखो, पहले मैंने कहा ना दो पार्ट में सोचो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करो, फिर ये सोचो कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी और कहाँ कहाँ पर जीरो है, और फिर चेक करो उन सारे पॉइंट्स पे तुम्हारे ग्राफ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वो इन इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करोगे, अपने आप ग्राफ बन जाएगा। सिर्फ इस पॉइंट पे जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, बाकी हर जगह कंटिन्यूस होगा। वहाँ पे कंटिन्यूस होगा, वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होने का कोई रीजन ही नहीं है। सिर्फ जहाँ पर चार्ज है वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, बाकी कहीं नहीं आएगी। अच्छा बताओ माइनस इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? जीरो हो रहा है तुम्हारे में, हो रहा है। चलो पहले तो देख लो भाई डायरेक्शन तुम लोगों ने सही बनाया नहीं बनाया। चलो तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पक्का? ये दूर फेंकेगा, ये खींचेगा, दोनों ही बोल रहे हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में कहाँ है? ये वाला दूर फेंकना चाह रहा है, ये वाला खींचना चाह रहा है, पर ये पास में है तो ये डोमिनेट करेगा और इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो गया। अब क्या होता है, ये ग्राफ इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि ठीक है वहाँ पे ग्राफ बनाने को नहीं आएंगे, पर चार ऑप्शन आएंगे ना, तो एलिमिनेट तो इसी बेसिस पे करोगे। ये दो इन्फॉर्मेशन लगाओगे, तीन ग्राफ एलिमिनेट हो जाएंगे इसी बेसिस पे, कम से कम दो तो तुम्हारे एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शंस। सोचने का तरीका तो आना चाहिए। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब ये बताओ भाई, जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन दो जगहों पे तो इन्फिनिटी आनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो भाई तुम्हारे ग्राफ में आ रही है नहीं आ रही। अब देखो जीरो कहाँ कहाँ आनी चाहिए, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी पे जीरो होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी पे, अब मैं दिखा नहीं पाऊंगा ना, इधर है माइनस इन्फिनिटी पे, यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे बोल रहा हूँ। तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, दो जगह इन्फिनाइट होना चाहिए। जहाँ भी चार्ज होगा चार्ज वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इन्फिनाइट हमेशा, इन दोनों जगह पे। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा जीरो होगी। उसके अलावा एक जगह और जीरो हो रही है यहाँ पर, इस केस में यहाँ पे जीरो हो गई थी। समझ में आ रहा है? ये सारे करे हुए हमने, बस अब इस इन्फॉर्मेशन से पूरा ग्राफ बन जाएगा। अब तो पहले तो तुम लोग देख लो जो दिखा रहे थे, इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ग्राफ के अंदर है या क्या? इसमें से अगर एक भी इन्फॉर्मेशन तुम वायलेट कर रहे हो तो गलत है तुम्हारा ग्राफ। बना गया, बन गया, सही वाला बना, बताओ ये सारे सेटिस्फाई कर रहा है? ठीक है देखो बनाते ना, यहाँ पर तो देखो सिंपल है, एक ही रीजन है ना नेगेटिव, तो इस रीजन में तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जीरो हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर तो सिंपल आ गया ग्राफ। ठीक है अब कौन सा रीजन, इसी रीजन को देखते हैं। इस रीजन में पॉजिटिव है हमेशा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे भी प्लस इन्फिनिटी चाहिए, तो अब इसे ग्राफ कुछ ऐसे ही आएगा, ऐसे जा रहा होगा, मतलब क्रॉस नहीं करेगा, एसिम्प्टोटिकली जाना बताना है तुम्हें, ध्यान रखो। इसी रीजन में ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है क्या? चलो और बताओ, इस रीजन में भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, पॉजिटिव होना चाहिए ना। देखो यहाँ पर तो कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव ही होगा। अपने रीजन कलर डिसाइड के लिए, इस रीजन में प्लस क्यू वाला डोमिनेट करेगा, इस रीजन में प्लस क्यू वाला डोमिनेट करेगा, और इस रीजन में माइनस क्यू वाला डोमिनेट करेगा। अरे सोचो ना यार, इससे तुम डिस्टेंस कम करते जा रहे हो, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फाइनाइट तक जा सकती है, और ये दूर फेंकना चाह रहा है प्लस क्यू वाला, तो जब प्लस क्यू के बाजू में है ना तो ये वाला डोमिनेट करेगा, क्योंकि देखो जब चार्ज और डिस्टेंस होता है उसमें डिस्टेंस डोमिनेट करता है, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। समझ आ रही बात? तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत बनाई थी अभी अपने ना, ये सही करो।
तो प्लस क्यू भाई, यहाँ पे भी प्लस इन्फिनिटी होगी, नहीं माइनस इन्फिनिटी, ये पीछे भेज रहा है ना, और चार्ज के पास इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो ग्राफ यहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा और यहाँ पे जीरो हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर जीरो होना चाहिए। तो देखो एक ही तरह का शेप पॉसिबल दिख रहा है मेरे को, ऐसे जाए और फिर ऐसे हो जाए कहीं पे गए। अगर यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, इस रीजन में पॉजिटिव होना था, देखो डायरेक्शन, तो मतलब पक्का कहीं ना कहीं मैक्सिमम आ रहा है फिर ड्रॉप कर रहा है। तो ये तुम्हारा ग्राफ है, इस तरह से आएगा, बना लो, और कोई डाउट हो तो पूछो। फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। कैपिटल क्यू को प्लस क्यू के लेफ्ट में रख रहे हैं, ठीक है, क्यों होना चाहिए? कुछ भी हमने नहीं, हमने पढ़ा था इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द फ्री चार्ज। तुम दो चीज़ों को कन्फ्यूज कर गए, दो तरह के क्वेश्चन थे, एक तरह के क्वेश्चन में ये दोनों फिक्स होते थे और थर्ड चार्ज को रखते थे, तब जो थर्ड चार्ज जो फ्री चार्ज होता था उसके मैग्नीट्यूड और नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो कंडीशन की तुम बोल रहे हो वो तब मैटर करता है जब तीनों के तीनों फ्री हो, समझ में आ गया? ठीक है, इसमें तो ये दोनों फिक्स जम, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कोई थर्ड चार्ज है ही नहीं यहाँ पे। ठीक, बैठो, अभी क्लियर हो गया क्या? अगर मान लो कन्फ्यूज हो जाते हो तुम, तो मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाल सकते हो, बस मैथमेटिक्स ढंग से आनी चाहिए। मुझे इतना पता है भाई, यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे जीरो करना है, मुझे ही पता है, और कहीं तो जीरो है नहीं, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऐसे ही ग्राफ दिख रहा है। हाँ, तुम सोचने में कई तरीके ग्राफ बना सकते हो, ये कंडीशन ऐसे ऐसे ग्राफ बना दो, तुम लग कह सकते हो सर ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, तो करो डी ई वाई डी एक्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर करो डी ई वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और तुम देखोगे स्लोप सिर्फ एक ही पॉइंट पे जीरो होगा, तो अब तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है ये, ठीक है, और बाकी भाई कंटिन्यूसली बिहेव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ग्राफ आएगा ही नहीं कभी, और बिल्कुल तुम्हारा क्वेश्चन सही है, तो भाई कर दो मैथमेटिक्स लगा, देखो स्लोप कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, सिर्फ एक यही एक ऐसा पॉइंट है, एक इस पॉइंट पे स्लोप जीरो आएगा तुम्हारा, और एक एक इस पॉइंट पे स्लोप जीरो आएगा, वो पॉइंट्स भी निकल जाएंगे तुम निकालना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। रीजन थ्री में जो मिनिमा रहेगा वो क्यू के पास रहेगा या माइनस फोर क्यू के पास रहेगा? हाँ, क्यू के पास रहेगा, ठीक है, बाकी तुम श्योर होना चाहते हो तो अगेन इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, डी वाई डी एक्स को जीरो करो, तुम्हें वो एक्स का पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे वो होगा, तो एग्जैक्ट पॉइंट निकल जाएगा किस पॉइंट पे वो जीरो हो रही है।